निश्चित सक्सेस के तीन टिप्स, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। देखिए, होता क्या है कि हम बहुत आरंभशूर हैं। आरंभशूर इसका मतलब ऐसा है कि हम चालू करते हैं कोई भी काम और बाद में बंद कर डालते, थोड़ा सा काम करेंगे बाद में फिर अपना जोश निकल जाएगा, बाद में उसको छोड़ देंगे। कोई क्लास ज्वाइन करेंगे, इंग्लिश स्पीकिंग क्लास, अकाउंटिंग, कंप्यूटर, कुछ भी हम चालू करते हैं, थोड़ी देर तक चालू रखेंगे बाद में छोड़ देंगे। क्या होता है कि जैसा गुब्बारे में कि हवा निकल जाती और वैसा उसका मतलब जो बलून है उसकी हवा निकल जाती, वैसा ढुस हो जाता, वैसा हम ढुस हो जाते और फिर वो जो जोश है, जुनून है, वो सब निकल जाता है कुछ दिन के बाद में। देखिए, मैं आपको कुछ तीन टिप्स दे रहा हूँ कि जो यदि आप उसको अपनाते हैं तो हो सकता है कि जो हमारा जोश, जुनून, उत्साह जो है वो टिकेगा। नंबर एक, आप ये देखो कि आप यहाँ ये दुनिया में कुछ दिन के लिए आए हो और आप मरने वाले हो। क्या है कि जहाँ लिमिटेड काम है, लिमिटेड, वहां बहुत मजा आता है हमको। जैसा लिमिटेड क्रिकेट है, लिमिटेड वन डे क्रिकेट है ना, 20 ओवर्स, 20-20, और 20 मतलब सिर्फ 20 ओवर की मैच है या एक दिन की मैच है, बहुत मजा आता है। वहां मालूम है लोगों को एक दिन में खेलना है, उनको एक दिन में रफा दफा करने का है सब पूरा, वहां मजा आता है। सेल लगा हुआ है एक दिन का है ना, जिम हाँ सेल है, फ्लिपकार्ट का है, अमेजोन का है, सेल लगा हुआ है, तो वहां बहुत दौड़ते हैं लोग कि भाई एक ही दिन, स्केयरसिटी, क्योंकि स्केयरसिटी है वहां, मतलब क्या है कि समय कम है। तो जहां आपका लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड माल है, लिमिटेड समय है, तो उस समय लोग फिर दौड़ धूप करते रहते हैं। हम क्यों ऐसा भूल जाते हैं हमारी जिंदगी कि हमारे पास में लिमिटेड समय है, लिमिटेड आयु है, लिमिटेड साल हम जीने वाले हैं, हमको यहाँ हरदम रहने वाले है नहीं। तो जो भी हमको जितने भी साल हमको लिमिटेड रहना है, तो वो उसमें आज कैसा हम जिएंगे, टुडे राइट नाउ, वो हम प्लान करते हैं और वो हिसाब से हम जीते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं हरदम बोलता हूँ कि प्लान 100 साल का करो, जियो ऐसा कि आज का पहला और आखिरी दिन है। पास्ट कुछ भी मत लाओ, क्योंकि पास्ट है नहीं, अतीत है नहीं, अतीत कहाँ है, पकड़ के बताओ, अतीत, अतीत पकड़ नहीं सकते, फ्यूचर पकड़ नहीं सकते, उसके बारे में हम सोच सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, मगर फ्यूचर भी है नहीं। जो भी अभी है वो अब भी है, जो मैं भी बात कर रहा हूँ, जो भी कुछ कर रहा हूँ वो अभी कर रहा हूँ, तो अभी करो और जियो ऐसा कि बहुत मजा आ जाएगा जीने में, बहुत एंजॉय करो, अल्लाह ही करके है, जोश है, जुनून है और मजा कर रहे रोज, ऐसा जियो। फिर दूसरा जो है, दूसरी टिप जो है कि आपको ये देखना है कि आपका ध्यान किधर है। मेरे जो कोच है वो हरदम बोलते रहते हैं कि भाई आपका ध्यान किधर है, क्योंकि काफ़ी जगह ऐसा बोला हुआ है कि जहाँ आपका ध्यान है, मतलब फोकस है, वो बढ़ते जाता है। क्या आपका ध्यान प्रॉब्लम के ऊपर है तो प्रॉब्लम बढ़ते जाएंगे, क्या आपका ध्यान काम के ऊपर है और सॉल्यूशन निकालने में है तो सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो आपका ध्यान कहाँ है, फोकस कहाँ है, जो भी आपका फोकस है इट बिकम्स बिगर एंड बिगर। तो हमारा फोकस रहता नहीं है एक तो, और फोकस रहा तो फिर वो वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां निकल जाएगा, काफी सारे डिस्ट्रैक्शंस आ जाएंगे और फिर हम इधर से उधर निकल जाएंगे फिर। तो हमारा फोकस कहाँ है, पूरी फोकस के साथ में, पूरा लक्ष्य केंद्रित करके, एकाग्र करके उसके ऊपर हम मैसिव एक्शन लेते हैं तो डेफिनेटली हमको सक्सेस मिल जाएगा। तीसरा जो है कि मैं कितना भूखा हूं उसके लिए, कितनी भूख लगी है, कितना हंगर है। देखो, हंगर जब है तो आदमी फिर उसके लिए पूरी ताकत लगा के खेलता है। हंगर नहीं है, ठीक है, मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, तो फिर उसमें मिलेगा भी और नहीं भी मिलेगा, या मिलेगा तो इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो आप कितने कमिटेड हो, आपका कितना निश्चय है वो मिलाने में, और जितना आपका ज़्यादा निश्चय होगा, जितना आपका कमिटमेंट होगा, जितनी आपको भूख होगी, उतना आपको सक्सेस मिलेगा, इतना पक्का है। देखो, मैं समझो भी एखादे, मतलब इसके पहले भी मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि भाई एक व्यक्ति को ऐसा बोला कि आप यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक मेडिकल शॉप है, वहाँ से आपको मेडिसिन लाने का है। आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत बीमार हो गया, बहुत सीरियस हो गया, उसको अटैक आ गया। अब डॉक्टर ने बोला कि भाई आपको ये दवाई लानी पड़ती है, वो दवाई वो 5 किलोमीटर मेडिकल जो है दूर केमिस्ट शॉप वहीं मिलती है, वहाँ से लाओ। अब 5 किलोमीटर जाना है और आना है आपको 10 किलोमीटर, और आपके पास में सिर्फ आधा घंटा है, तो आप क्या करोगे? नेचुरली आप गाड़ी लेंगे, बाहर निकलेंगे और आपका एक ही लक्ष्य रहेगा कि मुझे वो केमिस्ट के तरफ जाना है जो 5 किलोमीटर दूर है, और वहां से मुझे दवाई लाने की है और आधे घंटे के अंदर लाना है, नहीं तो मेरे फैमिली मेंबर की जान निकल जाएंगी। क्या आप जाते जाते डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे? बीच में कोई रोड शो चल रहा है उसके तरफ ध्यान जाएगा आपका और वहां आप उसमें शामिल हो जाएंगे, कहीं प्रोसेशन चल रही है तो वहां उसमें शामिल हो जाएंगे, या भूख लगी है गरम गरम आलू वड़ा एकदम बाहर बेचने वाला, या भेल पानी पूरी है तो वहां पानी पूरी या भेल खाते रहेंगे। क्या आपका किसके साथ में समझो टकराव भी हो गया, झगड़ा करेंगे उसके साथ में? कि पूरा फोकस रख के, क्योंकि आपको भूख लगी हुई है, हंगर है, कमिटमेंट है आपका कि नहीं मुझे वो चीज़ लाना है, वो दवाई लाना है और डॉक्टर को हाथ भी देना है आधे घंटे के अंदर, ताकि मेरे पेशेंट की जान बच जाएगी। तो मैं फिर से बताता हूँ, नंबर एक, आप ऐसा जियो कि
कि आप आज मरने वाले हो, प्लान 100 साल का करो। नंबर दो, आपका ध्यान किधर है, आपका फोकस किधर है, तुम कहाँ देख रहे हो। नंबर तीन, कितनी भूख आपको लगी है, कितना कमिटमेंट आपका है, उसके ऊपर आपका सक्सेस होता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।